टीचर्स ऐसे हमेशा टॉप करने की बातें करते थे, ऐसी कोई बात नहीं चलती कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे, हमेशा ये चलता है कि रैंक कैसे आएगी। फिर बॉस हमेशा यही बात करते हैं कि हमें 100 आना है या 1000 आना है, तो हमेशा माहौल एकदम वैसा ही रहता था। क्या करना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को, थोड़ा माइक मुंह के पास करते हुए? 11th में CLC चूज करनी है, ये प्योरली पापा का डिसीजन था, उन्होंने सारी कोचिंग्स देखी और जो भी डिसाइड करना था वो कर लिया। फिर 11th में मैंने घर से ही अप डाउन किया था, तो स्टार्टिंग में पापा लेके जाते थे, वापस छोड़ने आते थे, तो इनका ऑफिस का और कोचिंग का टाइम भी सेम रहता था, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। फिर 2-3 महीने बाद ये बैच पैक हो गए, टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए, तो पहले ही टेस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस हो गई थी। तो जाते हैं तो सब एक एवरेज स्टूडेंट की तरह जाते हैं कि हाँ बस कैसे जैसे गवर्नमेंट सीट मिल जाए हमें, तो रैंक का कोई ऐसा सपना नहीं था। आपने भी कहा कि रैंक का सपना नहीं होता शुरू में, आपके रैंक का सपना किस ऐसी कौन सी इवेंट हुई CLC में कि उस दिन आपने फिर रैंक का सपना पाला? गई थी तो ऐसा था कि 70% स्कोर करना है कैसे जैसे टेस्ट में, और रैंक अंडर 100 ले आऊंगी क्लास में तो सिलेक्शन हो जाएगा बस। फिर टीचर्स ऐसे हमेशा टॉप करने की बातें करते थे, ऐसी कोई बात नहीं चलती कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे, हमेशा ये चलता है कि रैंक कैसे आएगी। फिर बॉस हमेशा यही बात करते हैं कि हमें 100 आना है या 1000 आना है, तो हमेशा माहौल एकदम वैसा ही रहता था। फिर ऐसा था कि पहले टेस्ट में जो भी आएगा उसके हिसाब से तैयारी को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे। फिर पहले ही टेस्ट में 80% का स्कोर आ गया तो एक उम्मीद हो गई कि हाँ अभी अगर बेटर परफॉर्म करेंगे और कंसिस्टेंसी एक रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है 2 साल में, क्योंकि नीट और JEE दोनों एक तरह से मैराथन रेस है, ऐसा नहीं कि आज अपन घुसे और 2-3 महीने में एग्जाम लग गई और निकल गया। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट एकदम अच्छा मिलता था हमें, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो रहता था वो क्लास में मेनटेन रहता था, रेगुलर टेस्ट वगैरह चलते थे, फिर नॉर्मल एकदम पढ़ाई चल रही थी, तो रिविजन वगैरह का इतना आइडिया नहीं था क्योंकि ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता बाहर से, ऐसे फैमिली में अभी कोई था नहीं। तो 6 महीने बाद में हमारा पहला एक मेजर टेस्ट हुआ और बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस रही थी इसके अंदर, तो रियलाइज़ हुआ कि माइनर में परफॉर्म करने से तो सिलेक्शन तो होगा नहीं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने लग गया था क्योंकि गाड़ी जो थी फिर वापस हमें चेंज करनी पड़ी थी और वो और भी कोचिंग्स के बच्चे लेने लग गई, तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। तो सीकर जाने का हम लोगों ने डिसाइड किया, फिर थोड़े हेल्थ इश्यूज़ रहते थे मेरे काफ़ी उस टाइम पे, तो हम लोग हॉस्टल में नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे उस टाइम सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो मौसी है मेरी, अकेली रहती थी उस टाइम पे घर में, तो उनके पास में मुझे छोड़ दिया, एक अप्रोचेबल डिस्टेंस थी कोचिंग से, ऐसे ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो वहाँ पर मैंने 11th के एड में सीकर शिफ्ट हो गई। फिर धीरे धीरे रिवीजन का मैंने वो शेड्यूल अपना बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन एक माइनर के लिए ज़रूरी नहीं होते, तो आप स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक है वो काफ़ी हद तक अपने रिवीजन को डिवोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 15 दिन बस इसी माइनर में कर रहे हैं, पीछे क्या गया कुछ याद नहीं है, तो उससे कभी रैंक आप नहीं ला सकते। रिवीजन बहुत कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, और ये मुझे काफ़ी ट्रॉल करता है इस चीज़ पे कि इसको मैंने स्टार्टिंग में ही गाइड किया था और एक वीक में इससे माइनर कवर नहीं हुआ, तो इसके काफ़ी ख़राब होते थे माइनर। तो ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें ब्लाइंडली बस इसी पे जानना है कि हाँ यही करना है, चेंज कर सकते हो अगर तुमसे नहीं हो रहा है एक हफ्ते के अंदर वो टेस्ट या जो भी है, एटलीस्ट 3-4 दिन बाद फिर भी देने चाहिए क्वेश्चंस को, और एटलीस्ट नोट्स जो तुम्हारे होते हैं वो कोर्स के साथ में ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि एंड में हम लोग को इतना ही टाइम मिलता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। रिवीजन ऐसा नहीं कि प्योरली बस नोट्स पढ़ के चले गए और बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर 12th के स्टार्टिंग के अंदर हेल्थ इश्यूज़ थोड़े और ज़्यादा बढ़ने लग गए, तो माइनर वगैरह क्लासेस मिस होने लग गई क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक डे का, तुम बैठते हो प्योरली उसको सुनोगे तो आधी चीज़ें तो वही याद हो जाती हैं, फिर घर जाके नोट्स रिवाइज करोगे तो एक तरह से अच्छे से बैठ जाते हैं दिमाग में कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो टीचर सब बता देते हैं वहीं पे, तो वो सब मेंटेन करना होता है। फिर 12th के अंदर धीरे धीरे चलता रहा,
तो हेल्थ के साथ और स्टडीज के साथ थोड़ा ऐसा कॉम्प्रोमाइज मेरा रहता था, क्योंकि काफ़ी बार मेरी ऐसे एक एक हफ्ते या 15-15 दिन भी मैं क्लासेस ही नहीं ले पाती थी, और तब ऑनलाइन कोई सोर्स नहीं होता था, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई लोड भी नहीं है तुम्हारे। तो एंड तक फिर KVPI से पहले मैं 8 दिन एकदम प्योरली बेड रेस्ट पे थी, फिर एकदम से एग्ज़ाम दिया, तो यूँ था कि पेपर की वो छूट जाती है प्रैक्टिस, बट सिर्फ एंड में तब बॉस हमेशा कहते थे कि पेपर एक भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो एटलीस्ट वो 3 घंटे तुम कैसे भी निकालो और पेपर देने आओ। तो मैं सिर्फ पेपर दे के आती थी उस टाइम में, और KVPI में मेरा सिलेक्शन हो गया था, फाइनल सिलेक्टेड मैं KVPI में। उसके अलावा दिन की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी मेरे लिए कि एक बॉस हमेशा क्लास में आते थे, ये 2 साल तक डेली रूटीन था कि 5 से 10 मिनट चाहे आके क्लास के बीच में बोल के जाएँ, या जैसे मुझे वेट रहता था कि हाँ कब बॉस आएंगे, कब कुछ ऐसे, फिर पर्सनली कुछ ऐसे बोलते थे कि क्यों डाका जी ये हो गया यार, से हम आँखों की तरफ कर देते थे, अच्छा लगता है, ये मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा, घर पे थी तो पापा से ऑलमोस्ट मेरी रूटीन था कि आधे घंटे या 15-20 मिनट कम से कम मैं बात करती थी कि किस टीचर ने क्या कहा, क्या चल रहा है, तो सारा पूरा रूटीन डिस्कस करती थी, और ये अभी भी मेरा रूटीन है, कॉलेज में भी मैं कॉन्स्टेंटली चले आ रहा तब से। उसके बाद में 12th के, अब जितनी इम्पॉर्टेंट पूरी जर्नी होती है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि तुमने एंडिंग कैसी की, फिनिशिंग जो होती है सब्जेक्ट्स की वो बहुत मायने रखती है। और मेरी उस टाइम कंडीशन, जैसे 12th के 3 टेस्ट सीरीज थी हमारी, एक 12th की खुद की पूरी बच्चों की, उसके बाद में एक बायोकेम डिटेल्स होती है, फिर एक मेजर टेस्ट सीरीज होती है। तो 12th की टेस्ट सीरीज एकदम बढ़िया चल रही थी, फिर बीच में एकदम से ख़राब हो गई सिचुएशन, तो लास्ट के कुछ टेस्ट मेरे रह गए, और फिर मैं वापस घर आ गई थी बीच में ऐसे कि अभी नहीं हो पाएगा, और तो तब पूरी बायोकेम डिटेल्स मेरी छूट गई। तो रेगुलरली हर एक पेपर पापा को वो लोग दे देते थे, जैसे अंकित सर होते थे, साइंस सर हो गए, कभी बॉस खुद दे देते थे, तो हर एक पेपर मुझे घर पे प्रोवाइड करवाया गया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी और कोचिंग में होते हैं तो टेस्ट सब करवाते हैं, माइनर हो रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन हो रही है, बट एक जो पर्सनल केयर मिलती है, एकदम फैमिली जैसा एनवायरमेंट, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पूरा गाइड करते थे, और पापा को बोलते भी थे कि अगर कोशिश हो थोड़ी और कर सके तो बोलो कि वहाँ आके दे, बट मैं नहीं आ रही थी तो OMR शीट तक घर पे आती थी कि तुम घर पे उसको एज अ पेपर दो। फिर वो मिस हो गया तो थोड़ा सा एक लोड आ जाता है कि अरे यार टेस्ट नहीं दिए, पूरी प्रैक्टिस 1.5-2 महीने की छूट गई, सब भूल जाते हैं, इतना रेगुलर नहीं पढ़ते थे। तो लास्ट में मेजर टेस्ट सीरीज के लिए मैं वापस सीकर शिफ्ट हुई, मौसी के पास ही रुकी थी तब भी। तो उस टाइम पे प्लानिंग तुम्हारी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जाते ही फर्स्ट डे मैंने सारे अपने पेपर्स जितने भी मैंने 11th और 12th में दिए थे उनको सब्जेक्ट वाइज सेपरेट किया कि एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं हो तो कम से कम ये मैं प्रिपेयर कर लूँ। फिर मॉड्यूल सेपरेट किए, फिजिक्स की एक बुक हमें सजेस्ट करते थे यूनिवर्सल, काफ़ी अच्छी बुक थी। इसके अंदर सारे टेस्ट का हमें शेड्यूल चार्ट दिया था कि इस दिन ये टेस्ट होगा, 2 दिन से टेस्ट रखते थे। तो सारे पेपर मैंने वापस उसके सॉल्व किए, फिर मॉड्यूल और फिर यूनिवर्सल अगर फिजिक्स होती थी तो मैं उन 2 दिन के ड्यूरेशन में कवर करने की कोशिश करती थी, क्योंकि एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे अगर 2 साल तुमने अच्छे से पढ़ाई करी और फिर लास्ट के 2-3 महीने ऐसे कुछ लोग मस्ती मारने लग जाते हैं कि क्लासेस तो रहती नहीं है, तो वो टच जो होता है सब्जेक्ट का वो छूट जाता है, तो तुम्हें वो नहीं छोड़ना है। जैसे लॉकडाउन भी है, बहुत अनसर्टेनिटी है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, तो कोशिश करो कि खुद को मोटिवेटेड रखो। और मोटिवेशन ऐसे यूट्यूब पे 2-5 मिनट का वीडियो देख के कभी भी नहीं आएगा, 2 दिन के लिए आ सकता है, तो उसके लिए तो अंदर से मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। हमारे लिए बॉस की रोज़ लाइव सीरीज चलती है 1-1 घंटे की, तो उसके साथ में जुड़े रहो, इतना मोटिवेशन बहुत होता है। बाकी टेस्ट फिर वापस मैंने एंड में देना शुरू किए, तो ऐसे डिप्रेस नहीं होना होता है कि यार अभी बहुत रैंक नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता है कि उनकी सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी से रैंक आना वापस में मुश्किल का थोड़ा जाते ही, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी बायोकेम ले चुके थे, 12th की टेस्ट सीरीज ले ली थी, और भी जैसे नीट के बच्चे JEE की भी टेस्ट देते रहते हैं, तो वो सब टच एकदम से छूट गया।
फिर लास्ट के 8 मंथ में लेकिन वापस सारे पेपर किए, टोटल मॉड्यूल मैंने सॉल्व किए, नोट्स एंड में नहीं पढ़ने होते। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि नोट्स से सब रिवाइज हो जाएगा, तो सिर्फ नोट्स पढ़ते रहे, क्वेश्चन से ही आप परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पे, चाहे थ्योरी आपकी कितनी भी स्ट्रांग हो। तो वो प्रैक्टिस एंड में करी, उसके बाद में नीट देने गए तो उसका स्कोर मेरा था 613 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक थी 899। उसके अलावा मैं ओलंपियाड सेलेक्टेड भी थी, KQI भी कवर किया, साथ में और लोड रहता है पेरेंट्स का कि बोर्ड में क्या स्कोर रहेगा, स्पेशली अगर घर में पेरेंट्स टीचर होते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे एकदम डिप्रेशन में ला दिया था कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ती नहीं थी, मैंने क्लासेस भी नहीं ली हिंदी इंग्लिश की, तो लास्ट 10 डेज है कि पापा फेल होगी एकदम ऐसे हाथ भी नहीं लगा रही बुक्स पे, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो मम्मी ने ऐसे किया कि हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी है मुझे, तो एंड में शायद 10 दिन सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है कि आप पढ़ लें उनको। और मेरा 12th का स्कोर 91% रहा था, बाकी 3 सब्जेक्ट को कोचिंग से कवर हो जाते हैं तो कोई लोड नहीं रहता। और